अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो मैं किसी की फरमाइश पे कर रही हूँ। मुझे फरमाइश की गई है कि मैं चावलों की भी रेसिपी शेयर किया करूँ। और सबसे पहले जब मैंने चावलों की रेसिपी शेयर की थी वो चाइनीज़ राइस थी, उसके बाद छोला खिचड़ी, और ये मेरी थर्ड डिश है राइस की। तो आज की डिश है छोले चावल। और छोले चावल के लिए मैंने लिए हैं 1 पाव सफ़ेद चने, जिनको काबली चने भी कहा जाता है, उबाल लिए हैं मैंने, उबले हुए सफ़ेद चने हैं। और एक बड़ी प्याज काटी है मैंने, उसके साथ अदरक लहसुन चॉप कर लिया है मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून, 1 1/4 टीस्पून, और 2 कप मैंने चावल लिए हैं, और तकरीबन 1/2 टीस्पून 1 1/2 टीस्पून मैंने सूख मिर्च पाउडर लिया है, 1 चाय का चम्मच भरा हुआ मैंने पिंक सॉल्ट का लिया है, और 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और दालचीनी ली है थोड़ी सी, और चंद दाने मैंने साबुत काली मिर्च के लिए हैं। ये 2 कप चावल हैं, लेकिन ये 3 से 4 अफराद के लिए काफ़ी होंगे, क्योंकि इसमें छोले भी डल रहे हैं और ऑफ कोर्स चावल भी पककर इतना फूल जाते हैं, तो 4 अफराद के लिए ये डिश इनफ होगी। देखिए, मैंने चूल्हे पे रख दी है और इसमें मैंने तकरीबन 2.5 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, और अब मैं इसमें प्याज डालूंगी मीडियम साइज, 1 अदद जो हमने काटी थी प्याज मैंने डाल दी है और देखिए मैं, और ये थोड़ी सी जब बिल्कुल थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें मैं अदरक और लहसुन डालूंगी जो मैंने चॉप किए थे। ओके, प्याज रेडी है और अब मैं इसमें अदरक लहसुन डालूंगी। ब्राउन प्याज बिल्कुल नहीं करनी है हमें, और इसमें मैं अदरक लहसुन डाल रही हूँ पिसा हुआ, और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। जब थोड़ा अदरक लहसुन पक जाएगा हमारा, थोड़ा फ्राई हो जाएगा, तो इसमें फिर मैं छोले और तमाम मसाले डालूंगी। पे अभी जो हमारी डिश है, आप आलू डाल के गला सकते हैं और फिर उबले हुए छोले डाल सकते हैं अगर आप आलू डालना चाहें तो, लेकिन मैं आलू नहीं डाल रही, मैं आलू के बगैर बना रही हूँ, तो मैं डायरेक्ट उबले हुए चने डाल रही हूँ। और अब मैं तमाम मसाले डालूंगी। और अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। अब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के, 1/4 कप पानी डाल के मैं इसे हल्की आंच पे रख दूंगी 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि छोले ऑलरेडी गले हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि मसाले के साथ थोड़ा पक जाएं, इसलिए मैं इनको 3 से 4 मिनट के लिए रख दूंगी ढक के। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैं डाल रही हूँ, 1/4 कप के करीब, और अब मैं इसे ढक के रख दूंगी। चार मिनट गुजर गए हैं और हमारे छोले भी रेडी हैं, अब मैं इनमें चावल डाल दूंगी। ये 2 कप राइस हैं, अच्छी तरह से मिक्स करना है, और फिर मैं इनमें इतना पानी डालूंगी कि चावल जो है वो डिप हो जाए पूरे पानी में, अच्छी तरह से भीग जाए, सोख हो जाए, और उसके बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए तेज आंच पे पकाऊंगी। पानी मैंने डाल दिया है और अब मैं इसे 5 मिनट के लिए तेज आंच पे पकाऊंगी, जब तक कि इसमें बबल्स ना आ जाएं, और फिर इसमें बबल्स आ जाएंगी तो फिर हम इसे 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे रख देंगे। मिनट हो गए हैं और हमारे राइस में बबल्स भी आ गई हैं। अब मैं चूल्हे की आंच थोड़ी हल्की कर दूंगी और इसके साथ ही थोड़ा सा मैं चमचा जलाऊंगी, और
और अब 15 मिनट के लिए इसे ढककर रख दूंगी ताकि चावल हमारे गल जाएं। देखते हैं कि हमारे राइस रेडी हो गए हैं या नहीं हुए। अभी रेडी, बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और ये देखिए, बिल्कुल हमारे राइस रेडी हो गए हैं। ना इनमें पानी ज्यादा है ना कम है, बिल्कुल खिले खिले बनेंगे और ये सर्विंग के लिए रेडी हैं। इनको अब मैं सर्विंग के लिए निकाल लूंगी। डियर फ्रेंड्स, ये है फाइनल लुक आज की रेसिपी का, छोले चावल का। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और आप घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे। और इसके साथ ही मुझे ये भी उम्मीद है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक की होगी वीडियो और शेयर करेंगे इसे अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस वक्त पर मिलें। जल्द नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।